अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी शाम का खाना, क्योंकि मैं बनाती हूँ शाम को ही खाना, मतलब मैं दिन में नहीं खाना बनाती, बस शाम को खाना बनाती हूँ। और छोटी सी फैमिली है तो ये है कि एक दिन खाना बना लेती हूँ, नेक्स्ट डे भी वही चल जाता है। तो यहाँ पर जो है रात का टाइम था और खाना वगैरह हमने खा लिया था, तो मैंने सोचा हमेशा मैं आपके साथ मॉर्निंग या इवनिंग जो है वो रूटीन दिखाती हूँ, तो आज क्यों ना मैं आपको रात सोने से पहले की रूटीन है वो दिखा दूँ। तो यहाँ पर ना मैं बाहर दरवाज़ा खोल कर ना देख रही थी मौसम के सर्दियाँ आ गई हैं और बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तो मेरे साथ ना एक ये मसला हो गया कि ऊपर से वायर जो थी ना वो किचन के दरवाजे से ना अंदर की तरफ आ गई थी, तो मैं हस्बैंड को लेने गई हूँ कि वो दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा। तो फिर उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम वाइपर से या फिर ना किसी चम्मच डोई वगैरह से ना तार को पीछे तरफ कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। तो खैर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे और मैं बिस्तरे वगैरह जो था वो लगा रही थी और बेटे को जो मैंने पैम्पर पहना के उसको ईजी कर दिया था और इसको मैंने ना खुली सी जो है ना वो शलवार पहना दी थी, नेकर पैंट्स जो भी पहनी होती हैं वो मैंने इसकी ना उतार दी थी। तो खैर ये थी मेरी रात की मॉर्निंग कह रही हूँ कभी कभी ना ज़ुबान पलट जाती है। तो यहाँ पर रात थी और फिर उसके बाद जी हमारे कमरे में इतना ही अंधेरा होता ना, ये देख ले सिर्फ मोबाइल की रोशनी थी, वो मेरे हस्बैंड मोबाइल यूज़ कर रहे थे, इस तरफ मैं थी, सेंटर में मेरा बेटा था। खैर सोने के बाद जब हम सुबह उठ गए तो मॉर्निंग में जो था ना ब्रेकफास्ट वगैरह, मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, एक ही ब्रेकफास्ट होता है हमारा, वही हमने खाना है बस। उसके बाद जी मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रही थी, दो दिन ये गया था और सैटरडे संडे इसको ऑफ था क्योंकि ऑफ होता है बच्चों का। तो जी उसके बाद ये दो दिन इसको आई इन्फेक्शन हो गया, तो फिर उसके बाद ये गया नहीं है, बुखार सा था। अब ये बेहतर है, ठीक है, तो अब मैंने इसको भेज दिया था। यहाँ पर बाहर आके ना आज़ाद हो जाता है, ये हाथ इसका छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं इसको ना ट्यूशन छोड़ने के लिए ना जा रही थी और ये ना बड़ा खुश होकर बाहर जाता है, क्योंकि अंदर रह रहे कि तो वैसे ये अकेला हो गया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो फिर अब जब ये जाता है ना, ये देखे इसने मुझे पीछे मुड़ के भी नहीं देखा तो खैर अब आ गई हैं सर्दियाँ, तो ना धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, तो फिर मैंने ना फ्लीस के कंबल जो थे ना वो मशीन में डाल के धो लिए थे। तो ना फिर हस्बैंड ने ना उनको पानी से निकाल के ना बाहर डाल दिया था। उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने रूम में, आज मैंने बेडरूम की क्लीनिंग करनी थी। मैं एक दफ़ा बेडरूम कर देती हूँ ना तो इसमें इतना गंद नहीं मचता, बस ना बस ये होता है कि ना बेटा जो है ना मेरा वो थोड़ा मेस वगैरह कर देता है, चादर शादर जो है वो उतार के फेंक देता है, उसको बहुत गंदी आदत है चादर उतार के फेंकने की, तो खैर चादर उतार के ना वो ऊपर ले लेता है तो वो गया। उसको मैं छोड़ने के बाद जब आ गई ना तो फिर मैंने कहा चलो वो गया हुआ तो मैं जल्दी से ना अपनी जो है ना वो सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो जितना मेरे से हो सका था, तकरीबन 10:30 बजे वो गया था और 12:15 बजे उसने आ जाना था, बस उस टाइम तक जितना मेरे से काम हो सका था वो मैंने किया था, उसके अलावा बाकी का काम फिर मैंने आकर किया था। तो यहाँ पर ना इस्त्री करती हूँ मैं, कपड़े आयरन करती हूँ कि ना ये मेरा टीवी रैक है लेकिन इसको मैं एज आया ना आयरन स्टैंड भी यूज़ कर लेती हूँ। तो वहाँ पर स्विच का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था टीवी वाले स्विच के साथ, तो फिर मैंने कहा कि बार बार टीवी का स्विच उतारो, वहाँ पर इस्त्री का लगाओ। तो फिर मैंने ना रैक इधर कर दिया, टेबल मैंने इधर रख दी। तो खैर यहाँ पर मेरा रूम था थोड़ा बहुत जो है ना वो साफ़ हो गया था, बाकी जी पोचा वगैरह रह गया था और बाहर ये जो थे ना कपड़े मैंने सारे धो लिए थे। तो मैं वो देख रही थी कि धूप अच्छी खासी आई हुई है, तो धूप में ना ये होगा कि ना ये सूख जाएंगे, मुझे लग रहा था नहीं भी सूखेंगे तो कल सूख जाएंगे, लेकिन मैंने इनको ना छत के नीचे कर लेना था। खैर उसके बाद ना 12:15 हो गए और 12:15 बजे मुझे उसको लेने जाना था, मुझे बड़ा होता मैं ना भूल ना जाऊँ उसको लेना, तो मुझे एकदम से याद आया तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा 12:15 हो गए तो ना बस अब मैं उसको ले आऊँ जल्दी से जा के, छोटा है अभी तो इतना नहीं उसको ना बस दिल को होता है मैंने बस मैं ले आऊँ। तो खैर आ गया था ये मेरा बेटा जी, तो ये इसकी झार ना इसकी फ्रेंड्स हैं, भरी भरी फ्रेंड्स भी बन गई हैं इसकी, तो वो कहती थी इसको पार्क भी लेके आना हम इसके साथ खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह ताला, आज अगर इसकी तबीयत ठीक रही ना, ये दोपहर में नहीं सोया तो मैं इसको ज़रूर लेके आऊँगी। तो खैर ये आ गया था अपने रूम में और आते साथ ही गिर गया तो मेरा ये वाला रूम बस रह गया था सफाई करने वाला। उसके बाद ये आ गया था जी रूम में और फिर अपना जूता छूता उतार दिया। जूस जूस पिएगा, जूस जूस को
ये ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं कितना पर क्या है ये, जो इतना थक रहा था, लेट रहा था। तो खैर थोड़ा सा मौसम भी है ऐसा कि प्यास लग जाती है, तो वहीं पर भी ऐसे ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसको ना जूस दे देती हूँ। खाने का इसका भी टाइम नहीं था क्योंकि अभी इसको फीडर पीना था। तो फिर मैंने पहले इसको जूस दिया, उसके बाद जी मैंने जो मेरे थोड़े बहुत काम थे वो रह गए थे, तो मैंने इसको ना थोड़ी देर के ना इसको ना मूवी लगा दी थी, कार्टून मूवी लगा दी थी। मैंने कहा ये ना मूवी देखता रहेगा ना मेरे पीछे नहीं आएगा, बाहर आके मुझे तंग नहीं करेगा। तो खैर यहाँ पर ये मूवी देखने लग गया था, और मुझे ना अभी दूध भी बॉयल करना था, तो मैंने ना इसका जो है ना दही लगाना था, मैंने ना दही जमाना था। तो मैं दही ना ऐसे थोड़े थोड़े ना डब्बीज में जमाती रहती हूँ, डब्बियों में डब्बीज तो ना यहाँ पर मेरा जो था ना बेल ना वो गंदा हुआ था, तो मैंने उसको भी ना अच्छे से वॉश कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ मैंने दे दी थी उसको फीडर, और अभी हुए थे तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा था, तो अभी खाने का टाइम तो 1:30 बजे था। तो मैंने कहा अभी खाना बाद में खाएंगे, तब तक मेरा जो थोड़ा बहुत काम रह गया था ना मैं वो कर लूँ। तो मुझे ना अभी इस कमरे का जो था वो पोछा लगाना था, क्योंकि मैं सिर्फ झाड़ू लगा के चली गई थी, उनके 12:45 भी 1 मिनट में बच जाते हैं। अभी जैसे ही ना सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो काम जो है ना वो दिन जो है ना छोटे हो जाएंगे, जल्दी जल्दी से टाइम गुजरा करेगा, जल्दी जल्दी से अजान हो जाए करेगी, जल्दी जल्दी से सारी नमाज़ें गुजर जाया करेंगी। बस अभी जोहर की पढ़ेंगे तो फिर साथ ही जो है वो असर की हो जाएगी, असर की पढ़ते पढ़ते मगरिब हो जाती है। इस तरह बहुत जल्दी जल्दी ना अब दिन में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो था मेरा जो है वो पोछा लग गया था अच्छे से, और मेरा बेटा जो था मूवी देख रहा था, तो मुझे भी ये वाला कमरा था। अच्छा यहाँ पर ना ये देखें मैं आपको बता रही कि मैंने ना फोल्ड कर दिया था सारा कुछ चीज़ें, मैंने सारा कुछ उठा दी हुई थी, लेकिन ये मेरे बेटे साहब ने यहाँ पर पैम्पर अपना बैग तो खैर मैंने रखा था उसका ला के, तो जो बिस्तर है ना मैंने अच्छे से फोल्ड करके रखे होते हैं ऊपर, तो वो भी इसने नीचे फेंक दिया। कभी उसकी स्लाइड बना लेता है, कभी जंपिंग करना शुरू हो जाता है, कुशन नीचे फेंक देता है, बस बच्चों वाले घर में ना ऐसे ही सब चलता रहता है। खैर ये हस्बैंड की जो थी ना आर्टिशन हुई थी पेंट, तो वो मैंने रख दी थी अलमारी में। उसके बाद जी यहाँ पर मैं सारी चीज़ें वगैरह जो थी वो साइड पे कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ टेबल साफ़ है, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद टेबल साफ़ कर दी थी। तो है यहाँ पर जी रूम की देखें अभी ऐसे ही क्लीन लग रहा है, लेकिन अभी इसको झाड़ू भी लगना है, अभी इसको पोछा भी लगना है। तो चीज़ें वगैरह अभी उठ जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंद खत्म हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर का है, अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा से वही हाल हो जाना है, क्योंकि मेरे बेटे ने इसको ऐसे रहने ही नहीं देना, उसका दिल ही नहीं करता कि जो है रूम वो साफ़ हो, अच्छा अच्छा लगे। उसने सबसे पहले कुशन्स फेंकने हैं, फिर उसने बेडशीट्स उठानी है, फिर उसने बेडशीट्स नीचे फेंक देनी है, बेडशीट्स के अंदर घुस जाना है उसने, बस यही वो करता रहता है। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, यहाँ पर मैंने दही को जाग लगा दी थी, और आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अच्छा सा कॉमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह।